दोस्तों कुछ सालों पहले नदियों के किनारों और लकड़ी के गत्तों से और हाथों द्वारा कपड़ों को धोया जाता था, लेकिन आज आप खुद ही देख लीजिए किस तरह वॉशिंग मशीन इन कपड़ों को धोती ही नहीं है, बल्कि धोने के साथ साथ इन्हें अच्छी तरीके से सुखा भी देती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह फैक्ट्री में वॉशिंग मशीन को बनाया जाता है। दोस्तों ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ उस घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। सन 1767 में जेकब शोफर ने वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया था, जिसमें कुछ इस प्रकार का ड्रम लगा हुआ था और खास बात इसकी यह थी कि इसे कोयले द्वारा चलाया जाता था। तो चलिए अब देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहले फैक्ट्री में स्टेनलेस स्टील को लेजर कटिंग प्रोसेस द्वारा काट कर लंबी लंबी लेयर का रूप दिया जाता है, जिन्हें एक मोल्डिंग मशीन द्वारा प्रेस करके वॉशिंग मशीन के पार्ट्स का शेप दे दिया जाता है। साथ ही साथ इसके फ्रंट और बैक पैनल को भी तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन्हें कुछ लिक्विड से गुजारा जाता है, साथ ही साथ इन्हें ओवन में गर्म भी किया जाता है ताकि यह और मजबूत हो जाए। अगली प्रोसेसिंग में इन पैनल्स पर कलर को असेंबल किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद वॉशिंग मशीन के वाटर टैंक को बनाया जाता है, जिसे एक पंचिंग मशीन द्वारा शेप देकर और वेल्डिंग मशीन द्वारा 61 इंच के शेप में पांचों साइड से पैक कर दिया जाता है। इसी के साथ इस वाटर टैंक में एक होल भी किया जाता है, जिसमें एक बेयरिंग को फिट करके उसे अच्छी तरीके से मोटर रोटर से अटैच कर दिया जाता है। आगे इस मोटर और वाटर टैंक दोनों को प्लास्टिक बेस से अच्छी तरीके से पैक कर दिया जाता है। अब इन टब को स्क्रू से अच्छी तरीके से कसा जाता है। आगे इस टब को वॉशिंग मशीन के टैंक में फिट किया जाएगा, जहां पर इस टब से एक आउटर नली और वाटर मोटर को अटैच किया जाता है, जिसके कारण ही सारा गंदा पानी बाहर निकल पाता है। अगली प्रोसेसिंग में इस वॉशिंग मशीन के फ्रंट बैक और साइड पैनल को स्क्रू की हेल्प से अच्छी तरीके से अटैच किया जाता है। आगे अब इस मशीन के सेफ्टी डोर को भी फिट किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस वॉशिंग मशीन पर कंपनी की ब्रांडिंग की जाती है। आगे अब इस वॉशिंग मशीन की क्वालिटी की अच्छी तरीके से टेस्टिंग की जाती है, जिन्हें कई ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीनों द्वारा टेस्ट किया जाता है और अंत में पैक करके डीलर को बेचने के लिए भेज दी जाती है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में वॉशिंग मशीन को बनाया जाता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।